हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है बुंडेसलीगा लीग का, मेंस वर्सेस बेयर्न म्यूनिख के बीच, पूरे डेढ़ घंटे बाद गाइस। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक ड्रीम 11 टीम्स। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं गाइस। तो ये है प्रीवियस मैचेस के स्क्रीन शॉट्स जिसपे की बहुत ही जबरदस्त विनिंग हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी चैनल पर जुड़े, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूं। तो चलते दोस्तों आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो मैं मेंस वर्सेस बेयर्न म्यूनिख के बीच जो मैच होने वाला है, इट लिटरली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया मैच है। और इस चीज़ के अंदर आपको बता दूँ, सिंगल साइड ही टीम ही बनाना, एक्चुअली बेयर्न म्यूनिख के फेवर में मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेंस टीम के पास उतनी एबिलिटी है नहीं कि बेयर्न म्यूनिख का 90 मिनट तक सामना कर पाए। देखो, सामना कोई भी कर सकता है, एबिलिटी सबके अंदर होती है, बट इस सीज़न के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ खास नहीं कर रही। तो मैं बात करूँगा गोल कीपर की, यहाँ से लूँगा रॉबिन जेनेटर को। तो इसने गाइस बेयर्न म्यूनिख के खिलाफ 3 जनवरी का मैच नहीं खेला था, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, इसकी जगह जो अनदर प्लेयर आया था वो था एफ डेफेन। तो ये प्लेयर भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आज जो मतलब जो करने वाला है गोल कीपिंग, वो है गाइज आर जेंटनर। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे गाइस डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा डी अलाबा को। डी अलाबा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, आपको बता दूँ। और ये जो डी अलाबा आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली कई बार मिडफील्डिंग सेक्शन में चले जाता है, तो इसलिए आपको उस चीज़ से बचना है। अगर ये मिडफील्डिंग सेक्शन में होता तो मैं इसको कभी भी अपनी टीम में ना लेता, क्योंकि क्लीन शीट के चांस उस पे क्लीन शीट के पॉइंट्स नहीं मिलते। इसलिए डी अलाबा इज़ अ टुडे कॉमन प्लेयर और मेन प्लेयर, क्योंकि वो डिफेंडर सेक्शन में है। हर्नांडेज़ की बात करें गाइस, तो ल्यूक हर्नांडेज़ जो कि लुकास हर्नांडेज़ बहुत ही ज़्यादा टॉप का प्लेयर है, लेकिन उतनी मतलब ये नहीं, ये क्लीन शीट ना लगी तो ये प्लेयर थोड़ा फ्लॉप जा सकता है। मतलब ये ज़्यादा मत एक्सपेक्टेशन मत कर लेना कि ये मैक्सिमम पॉइंट रीच कराएगा, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन मिनिमम करा सकता है। और आगे से लूँगा गाइस नेक्स्ट प्लेयर, जिसका नाम है जेरमी एस्ची जुस्टे। तो ये भी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स का सामना किया भाई इस प्लेयर ने भी, लेकिन आज सामने बेयर्न म्यूनिख है, तो भाई कुछ तो भाई पंगा होगा। बी पवार्ड की बात करूँ, तो बी पवार्ड जो मैं लेने वाला हूँ, बेंजामिन पवार्ड, यहाँ से काफ़ी बढ़िया प्लेयर, बट इसका नाम तो बहुत है लेकिन फॉर्म अभी भी है नहीं, क्योंकि पहले 9 क्रेडिट का प्लेयर मिलता था, बट एक्चुअली थोड़ी फॉर्म बिगड़ने के कारण थोड़े क्रेडिट्स भी डाउन है और परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है गाइस। आगे से बात करूं अगर मैं मिडफील्डर की, तो एस गनेरबी और एल गोर्टेस्का की गैर हाजिरी में जो प्लेयर ने वापसी की है, वो है जे किमिच। देखो, एक वापसी का मतलब ये नहीं, ये शुरू से खेलता आ रहा है, वापसी मतलब फॉर्म में जो आया है। और जो अनदर प्लेयर जो असलियत में जो वापसी करके आया है, वो है जैमल मुसियाला। प्रीवियस मैच के अंदर लोगों ने इसकी जगह ट्राई किया था के कुमान को, और के कुमान ये रहा गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा गाइस के कुमान। कई लोगों ने इसको ट्राई किया था बट ये उतना पॉइंट रीच नहीं कर पाया। और आगे से बात करूंगा स्टेट फॉरवर्ड की, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की नहीं खेला था पिछला मैच, जिस कारण मैं इसको ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक अपनी टीम का एकमात्र टॉप का पेनल्टी टेकर है, पर शायद आज का मैच ना खेले। और आगे से बात करूँ टीम मलर की, मलर भी बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ता है एक्चुअली, अगर आप चाहो तो इसको वाइस कैप्टन रख सकते हो, लेकिन ऑल ओवर सारे लोग इसको कैप्टन ही चुनेंगे। ई मैक्सिम की बात करूँ, तो ई मैक्सिम चोपामोंटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है एक्चुअली। हर सीज़न जब से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की वापसी नहीं हो रही, तब तक ये पूरी गेम संभाल के बैठा है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जिसका नाम है जोनाथन बर्कडिक, तो ये भी बड़ा टॉप का प्लेयर है, मतलब ये उतना तो अच्छा नहीं है अगर आप सोचो कि गोल कर देगा, और ये जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इसकी जगह जो प्लेयर खेले वो है के ओनिसोवो, या फिर मैं कहता हूँ मिडफील्डिंग में जोर ज़्यादा दे देना, सोचते हैं क्या करना है, बट अभी आप इसी को लीजिए। और आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन जो मेरा रहने वाला है वो है टी मलर, एंड वाइस कैप्टन वॉज जे किमिच। तो ये रही मेरी टीम गाइज, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।